हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेरी बेटियों का 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है। 6 मंथ का कंप्लीट जो हाफ बर्थडे हुआ था, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। जो लोग नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। तो इसी तरह 7 मंथ कंप्लीट हो गया मेरे बेटू का। ये बहुत खुश है कि कैसे कैसे ये बड़ी होती जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो आप क्या क्या करते हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहे जरूर दिखाऊंगी। कुछ ऐसा प्लानिंग तो नहीं थी, चीज़ें कुछ सोच के रखी हैं। कुछ इसका कपड़ा चाहिए था, तो जो कपड़ा घर पर अवेलेबल नहीं है, हस्बैंड गया है मार्केट लाने के लिए। देखते हैं आता है या नहीं, वैसा मिलता है मार्केट में या नहीं। अगर नहीं मिलता तो फिर घर से कुछ जुगाड़ करेंगे, पर करेंगे तो ज़रूर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेटियों का सवाल है ना। हर मंथ फोटोशूट होता है बेटियों का, तो इस मंथ कैसे छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ हो ही जाएगा। पर देखते हैं, अभी गए हैं, अभी बाहर अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं बिल्कुल दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या होता है और क्या क्या करते हैं हम लोग। तो अभी के लिए बाय बाय। मतलब हम तो बेटू को 7 मंथ का गिफ्ट मिल चुका है, जो कि ये है मेरी बेटू का ही दिन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको कुछ मिला है आज नया नया। बेटू आर यू हैप्पी? बेटू अभी तो ये बोल नहीं सकती, बट मैं समझती हूँ ये खुश है, क्योंकि इसके साथ बहुत ही एंजॉय कर रही है। आज ही जस्ट अभी कुछ देर पहले इसके पापा इसके लिए ला दिए हैं, जो ये बहुत इन्जॉय कर रही है। बट हाँ, इसमें म्यूज़िक भी बजता है, जिसको सुन के डर जा रही थी, तो बैटरी खोल के हटा दिया, जिसकी वजह से म्यूजिक नहीं बजता। अभी फिर देखते रहिए आगे आगे क्या करते हैं हम लोग। तो अभी तो बस यही हो रहा है, इसके साथ खेल रही हूँ। अभी तक हस्बैंड बाहर से नहीं आए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, अगर मिलता है तो सही है, फिर क्या कुछ करते हैं। बेटो जब तक वो नहीं आ रहे तब तक मैं कुछ कर रही थी। ये हमारा बेलपत्ता, सेंचुरी पेपर और फूल और सीजर और गोंद। इस तरह से बेलपत्ता के ऊपर मैं फेविकॉल को लगा रही हूँ, और सेंचुरी पेपर जो था उसको पहले मैं पेन से स्केच करके और 7 कट कर ली हूँ। उसके ऊपर से ऐसे फेविकॉल लगा के सारे बेलपत्तर को यहाँ पे चिपका रही हूँ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि फाइनल लुक इसका कैसा आया है चिपकाने के बाद। तो कुछ इस तरह से फाइनल लुक आया है इसका, जो कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके आप लोग बताना ही बताना आप लोगों को। तो ये है फाइनली हमारा 7 लिखा हुआ। अब हम वेट करते हैं अपने हस्बैंड का, क्या क्या सामान आता है मार्केट से। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ फाइनली मार्केट से सामान आ चुका है। तो ये है सेंचुरी पेपर, जो कि ब्लैक और येलो कलर का है। और यहाँ पे फेविकॉल और सीजर ले ली हूँ, और वाइट भी सेंचुरी पेपर ले ली हूँ मैं। आगे देखिए मैं तो ये जो ब्लैक सेंचुरी पेपर था उसको मैं पहले क्या कर रही हूँ, उसमें पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद उसको कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैक सेंचुरी पेपर से बना रही हूँ शिवलिंग, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बस ये शुरू का पार्ट है उसका, ऊपर का भाग को कटिंग की हूँ। तो आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि फाइनल इसका लुक क्या आता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। ये थीम होने वाला है शिव जी का। तो यहाँ पे मेरा शिव जी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी त्रिशूल। आगे मैं इसमें और भी बहुत कुछ ऐड करने वाली हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, पूरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ लोरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसको थोड़ा पानी से थोड़ा भिंगो के गाढ़ा में ही, अब इसको ऐसे लेके जो वाइट बनाई हूँ शिवलिंग पे टीका टाइप, उसमें ये लोरी से पहले टीका करूँगी, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। आप लोग भी सेम ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपको भी फ़ोटोशूट करना होगा शंकर भगवान का थीम लेके, तो बहुत इजी है, इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। अगर आप मन लगा के करते हैं तो टफ को भी अच्छे से कर लेते हैं, बस आपको उसमें मन लगना चाहिए। अगर मन नहीं लगेगा तो इजी चीज़ भी आप नहीं कर पाएंगे, तो मन होना चाहिए तो सब हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसमें टीका कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि लोरी को लेऊँगी थोड़ा ज़्यादा करके, और इसके बीच में जो खाली गैप जगह है उसमें ओम बनाऊँगी। कुछ इस तरह से बनाऊंगी, पहले लोरी से बनाऊंगी जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर से जो चंदन टीका होता है पीला वाला, वो भी दे दूंगी ऊपर से, ताकि थोड़ा इसका जो रौनक वो ज़्यादा सुंदर लगे और अच्छा लगे, फ़ोटो में भी अच्छा आ जाए, कैप्चर हो।
तो मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि जो कपड़ा मुझे चाहिए था वो कपड़ा सच में मार्केट में नहीं मिला, वैसा जो शिव जी का एक होता ना सेब छाप टाइप में कपड़ा, वही चाहिए था मुझे जो कि नहीं मिल पाया। तो मैं घर से ही कुछ उपाय करके मैं करूँगी, जो कि आप लोग आगे देखोगे कि कैसे क्या करती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं आधा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लोरी लूँगी और त्रिशूल में भी थोड़ा टीका टाइप से लगा दूँगी ताकि वो भी थोड़ा अच्छा लगे। तो फाइनली मेरे बेटू का जो आज का थीम था वो ये था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये थीम, और मेरी बेटू पर्सनली कैसी लगी आप लोगों को। उसको जो है ऑरेंज कलर का जो गमछा होता है उससे मैं पहना दी हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हाथ और पैर में जो गेंदा फूल होता है, माला आता है लंबा लंबा, उसको उसके पैर के साइज से हाथ के साइज के काट के और बांध दिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और रुद्राक्ष जो शिव जी का माला होता है वो पहना दी हूँ, और इस तरह से चंदन और लोरी का टिक्का कर दी हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जिसके अच्छे अच्छे फ़ोटो आए हैं वो सारे मैं लास्ट में अपलोड करूँगी, फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूँगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके सूट के चक्कर में मेरा पूरा हालत ख़राब हो जाता है, बहुत परेशान करती है सूट के टाइम, बिल्कुल भी निकलने देते, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को फ़ोटो खींचना, वो भी जैसा आप चाहें वैसा करके, बहुत टफ है, फिर भी कर लेती हूँ जितना हो सके। तभी आप लोग देख ही सकते हैं मेरा क्या हालत हुआ है गर्मी से। के साथ ये वीडियो यहीं पर अब होता है एंड, ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, आप लोग यूट्यूब को देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अभी के लिए बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय।